हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका एमपी सिविल जज का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और उस एग्जाम के अंदर टोटल 12 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। अगर उन 12 में से हम सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट की बात करें तो आपको दो लोकल लॉज के बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। हालांकि उसका वेटेज 5 से लेकर 10 नंबर तक होता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू पे एक बैच चल रहा है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट के जो दो सब्जेक्ट हैं जिनमें से एक है आपका द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा लोकल एक्ट है आपका वो है आपका MP LRC जिसके रिगार्डिंग क्लासेस फुल फ्लेज में चलाई जा रही हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश के अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को देखते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि इस पूरे के पूरे लोकल एक्ट का नाम क्या है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 41 ऑफ 1961। इसके अलावा इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें भी आपको याद करने की जरूरत होती हैं, जैसे कि यूजुअली इसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट कब मिली, तो वो डेट है आपकी 25 दिसंबर 1961। और अगर हम इसके ऑफिशियली गजट में नोटिफिकेशन की डेट को देखते हैं तो वो डेट है आपकी 30th of December 1961। इसके अलावा इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। उन 7 चैप्टर के अंदर आपको 51 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और टोटल इसके अंदर आपको 2 शेड्यूल भी अलग से आपको देखने को मिलते हैं। तो हालांकि 51 के 51 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ उनमें लगभग 25 से 30 सेक्शंस ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। ये बात अलग है कि इसके लिए जो वेटेज दिया गया है वो 5 नंबर का है, लेकिन उन 30 में से कौन से 5 आएंगे ये आइडेंटिफाई करना काफी हद तक मुश्किल होता है। इसीलिए उन 30 के 30 सेक्शंस को एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है पर्टिकुलरली वो बात करता है सेक्शन 21 ऑफ द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अगर हम इसके सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को देखें तो ये बात करता है परमिशन टू कंस्ट्रक्ट एंड द एडिशनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक चीज तो आपको क्लियर हो ही चुकी होगी कि आमतौर पे इस एक्ट का जो एक ऑब्जेक्ट है या इसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने का है, या अगर हम इन शॉर्ट कहें तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का है। अब ये पूरा का पूरा जो एक्ट है कहीं ना कहीं वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को ही एक धागे के अंदर बांधने की कोशिश करता है ताकि दोनों में से कोई भी अपनी मर्यादा को क्रॉस ना करे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 21 की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ 1961 एक व्यक्ति जो एक लैंडलॉर्ड के कैरेक्टर में है या एक मकान मालिक के चरित्र में है, उसने क्या किया, अपनी बिल्डिंग या अपनी बिल्डिंग का कोई पार्ट किसी दूसरे व्यक्ति को जो स्वयं अपने आप में एक टेनेंट यानी कि एक किरायेदार के चरित्र में है उसको दे दिया। ठीक है, जो भी उनके बीच एग्रीमेंट होना था सारी चीजें बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का भी उसके ऊपर प्रॉपर सर्टिफिकेशन उनको मिल चुका है। अब सवाल ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंडलॉर्ड को ये लगता है कि मुझे इस बिल्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट कराना है या मुझे इस बिल्डिंग में किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर कराना है, और वो चाहे अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं या अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों के ही दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब लैंडलॉर्ड सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेगा, वो किरायेदार यानी कि जो टेनेंट है उसको इंटीमेट करेगा कि देखिए जिस जगह पर आप रह रहे हैं या जो जगह मैंने आपको लेट आउट कर दी है यानी कि किराए पर दे दी है, उस जगह पर अगर हम सिर्फ बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यहां पर एक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आ रही है या हमें यहां पर रिपेयर की गुंजाइश नजर आ रही है या हमें यहां पर किसी तरह का एक एडिशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन अब जो टेनेंट है उसका यह कहना है कि नहीं, अभी हमारा टेनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है एंड आई वोंट अलाउड यू, मैं आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब ऑलरेडी देयर हैज बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। अब सवाल यह है कि अब क्या लैंडलॉर्ड यहां पर शांत होकर बैठ जाएगा, क्या उसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है? तो जो सेक्शन 21 है आपका
एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का, ये लैंडलॉर्ड के पास एक विकल्प के रास्ते को खोलता है और ये कहता है कि अगर वाकई में आपको लगता है कि उस बिल्डिंग या उस बिल्डिंग के एक पार्ट में आपको इमीडिएट स्ट्रक्चर या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और टेनेंट आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि इस वक्त वो उसके पोजिशन में है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आप रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने आप एक एप्लीकेशन को रख लीजिए, वो आपको कॉल करेंगे, उनके सामने आप अपने सारे फैक्ट्स को रखिएगा और अगर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को ये लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन मेकआउट किया गया है उनके सामने वो एक बोनाफाइड इंटेंशन से है और इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस है और जो चीज़ें आप करने के लिए जा रहे हैं या जिसकी इजाज़त आप मांग रहे हैं आरसीए से, उसको करने के दौरान टेनेंट को किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी आपको इस बात की इजाज़त दे सकता है। तो यहाँ पे अगर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो आपको यही नज़र आएगा कि मकान मालिक को स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने या स्ट्रक्चर को खड़ा करने की ज़रूरत थी, मकान मालिक वेंट टू किरायेदार, किरायेदार स्ट्रिक्टली रिफ्यूज, अब उसके बाद जो लैंडलॉर्ड होते हैं सेक्शन 21 का सहारा लेते हैं, आरसीए के सामने जाते हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं और अगर आरसीए को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड आइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग ये जरूरी है और इसकी वजह से टेनेंट को भी कोई बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, देखिए थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी तो वो चीजें एडजस्टेबल की जा सकती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी लैंडलॉर्ड को सेक्शन 21 का प्रोटेक्शन दे सकता है या उसको ये अधिकार दे सकता है कि आप वहां पे उन चीजों को कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 21 और इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। डायरेक्टली वो सवाल आपसे यही पूछते हैं कि अगर मकान मालिक को किरायेदार किरायेदार रिफ्यूज कर दिया जाता है तो वो किसके पास जाता है, किस सेक्शन का प्रोटेक्शन या बेनिफिट उसको मिलता है। तो आमतौर पे आपको इनके बारे में छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि देखिए जो लोकल एक्ट होते हैं उसके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं और काफी डीपली सवाल पूछे जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 21 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल लव योर सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।